हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 4.1 एंड द टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और चैप्टर का भी नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब कि ये आपका चैप्टर 4 है। जो बच्चे मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाइज बहुत सारे चैप्टर्स के डाल चुका हूं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी जाके पहले वो वीडियो जरूर देखें और उनसे भी बेनिफिट्स लें। आइए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जो आपसे पूछा गया है 2011 में। ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जो आपसे 2011 में पूछा गया है। एक बार रीड करते हैं। ये है आपका, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो एक बार लिख लेते हैं इसको। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 और रूट की वैल्यू दे दी है 1/2। इसका क्या मतलब है? 1/2 ही दी हुई है। हाँ जी, इसका क्या मतलब है? x की वैल्यू आपको 1/2 दी हुई है और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला। तो बहुत ही आसान है भाई, क्या कीजिए आप, यहां पर x की जगह पर 1/2 पुट कर दीजिए, k को ऐसे ही रहने दीजिए, x की जगह पर 1/2, 5/4 और यहां पर आ जाएगा आपका क्या इज इक्वल टू 0। अब देखो इधर, यहां पे क्या आ जाएगा 1/4 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा k/2, यहां पर कितना आ जाएगा 5/4। अब देखो इन दोनों को अगर आप पहले सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 1 है और ये 5 है, तो सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं तो गलती से भी ऐसा मत करना। तो यहां पर आ जाएगा आपका 4/4 और ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहां पर आ जाएगा आपका आंसर 1। अब देखो ये 1 माइनस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई। तो ये था आपका 2012 में आया हुआ क्वेश्चन, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो आपसे पूछा गया है 2013 में। रीड कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी व्हेन पी एक्स स्क्वायर प्लस √x √3 माइनस √2 ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1/√3 इज 1 root of this equation। तो देखिए इधर, अब आपको क्या करना है भाई, x की वैल्यू दी हुई है और आपको p की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान है। देखिए क्या करोगे भाई, p को ऐसे ही छोड़ दो। x की वैल्यू क्या दी है उन्होंने, 1/√, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दोगे। यहां पर √3 √2 और x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू इंटू, ये देखिए x है, अब इंटू लगा रहा हूं मैं, 1/√3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, p इंटू 1/1 का स्क्वायर तो 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर √3/√3 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा भाई, √2/√3 और माइनस का 1, तो इससे ये कैंसिल आउट होकर के आ जाएगा। देखिए यहां पर तो p/3, यहां पर प्लस का 1 और यहां पे माइनस √2/√3 और यहां पे माइनस का 1। देखिए ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, ये तो 0 हो गया, खत्म, ये तो इससे कट जाएगा। ये बेटा माइनस का, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, ये डिवाइड हो रहा, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए कभी भी डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू को छोड़ते नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, रैशनलाइज। रैशनलाइज करोगे तो ऊपर देखिए क्या आ जाएगा 3 और यहां पर आ जाएगा √6 और √3 × √3 क्या होता है 3, तो 3 से 3 भी कैंसिल आउट, पी की वैल्यू आ गई √6। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। आइए देखते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे 2014 एंड 15 दोनों में पूछा गया है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी है। इफ अ नंबर इज एडेड टू ट्वाइस इट्स स्क्वायर देन द रिजल्टेंट इज 21, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस सिचुएशन। तो देखिए मान लीजिए लेट द नंबर बी एक्स। अब वो क्या कह रहे हैं, एड दिस नंबर टू द ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, मतलब कि इस नंबर को आप ऐड कर दीजिए किसमें,
इसी नंबर के स्क्वायर के ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, इस नंबर में मैंने क्या किया, पहले तो इसका स्क्वायर किया और इसको दो टू से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ट्वाइस बोला है, तो रिजल्टेड उन्होंने कितना बोला है 21, ये प्लस में इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है भाई। बस इतना सा आपको काम करना था और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। और ये देखिए आपके 2014 और 15 दोनों में पूछा गया है, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन वैल्यू इज ए इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और ये दोनों इक्वेशंस आपके सामने हैं। देखिए ये आपसे CBSE में 2019 में पूछा गया है। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर मुझसे छूट जाए, रह जाता है गलती से भी, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर पिक्चर सेंड कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको मिले, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि 2011 से 2018 तक शायद कोई पूछा गया हो क्वेश्चन, मुझे नहीं मिला, मुझे पहला क्वेश्चन यही मिला और वो भी आपकी एनसीईआरटी से नहीं है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड है तो मैंने सोचा आपको करा दिए जाए। खैर देखिए यहाँ पर आपको के की वैल्यू बतानी, तो सिंपल सा तरीका है भाई, आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है, ये दोनों पार्ट्स दिए हुए थे क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू 2 पुट करनी है, दैट्स इट। तो एक्स के एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और k तो एज इट इज ही रहेगा, 2 टू जा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आ जाएगा, ये प्लस में है उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग k की वैल्यू ये होगी। ये देखिए ये वाला अच्छा है, यहां पर वो कह रहे हैं x की वैल्यू माइनस a है, तो जहां जहां पर आपको x नजर आ रहा है वहां वहां पर a पुट कर दीजिए। तो देखिए x की वैल्यू क्या है माइनस a प्लस 2a, x की वैल्यू माइनस a माइनस k। अब देखिए यहां पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आने वाली, जैसे यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू आई है ना ऐसी नहीं आएगी, ये वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ a, ठीक है। तो देखिए माइनस a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस प्लस नहीं यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2a का स्क्वायर माइनस k। देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा माइनस 1a स्क्वायर, देखो इसके सामने कुछ भी नहीं है तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 और साइन बड़े वाले का है ना। अब देखो इधर ये माइनस में उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली a स्क्वायर लिख सकते हो, ये माइनस में उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा सॉरी ये माइनस जो है वो इस तरफ लग जाएगा, तो आपके k की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये नोट कीजिए और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे 2019 में ही पूछा गया है, रीड कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x square minus 10x plus k is equals to 0 are reciprocals of each other। तो देखिए कितना ज़्यादा important question है। तो भाई इसके roots जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, find the roots of the quadratic equation are reciprocal of each other। तो भाई इसके roots क्या होंगे, देखो ये quadratic equation है, quadratic equation के two roots होते हैं, let first root be अल्फा एंड सेकंड रूट, उन्होंने क्या बोला इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल सेकंड रूट भी 1 ओवर अल्फा। ऑब्वियसली भाई पहला अगर अल्फा है तो सेकंड क्या है इसका रेसिप्रोकल, मतलब कि 1 ओवर अल्फा, ठीक है। अब देखो इधर हमें ये पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू व्हाट C ओवर A, भाई हमें पता है एक तो सम ऑफ दी जीरोज होता है और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख दो या रूट्स लिख दो एक ही बात है, ठीक है जीरोज। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है भाई, ये पहला जीरो है ये दूसरा जीरो है या फिर रूट्स, तो अल्फा इंटू सेकेंड 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू C, C की वैल्यू क्या है K ओवर A, A की वैल्यू कितनी है 3। देखिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज इज इक्वल टू सी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज भाई जीरोज इस बार क्या है एक अल्फा दूसरा
उसका रेसिप्रोकल मतलब कि 1 ओवर अल्फा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, c ओवर a के इक्वल होगा या नहीं होगा, c की वैल्यू कितनी है k और 3, तो यहां से आई जाएगा a की वैल्यू, देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा k ओवर 3, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये भी आपसे CBSE 2019 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है बट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहां पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी से पूछा गया है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देखिए वैसे तो यूजुअली मैं कराता नहीं हूँ बिकॉज ऑलरेडी सारी की सारे चैप्टर की और एग्जांपल्स की वीडियोस अपलोडेड है, तो उसको दोबारा अपलोड करने का कोई मतलब बनता नहीं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी हो रही है इसलिए मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आप और इसका सोल्यूशन भी वहाँ नहीं कराया गया ऑब्वियसली, यहाँ पे तो सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए बोला गया है, तो रीड कीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड आउट द इंटीजर्स, फाइंड द इंटीजर। देखिए सबसे पहले तो ये बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार बैक टू बैक, जैसे कि 3 के बाद क्या आएगा 4, और 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 6, तो ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब एक बात बताइए इन तीनों में आप क्या कॉमन देख रहे हो, कि अगर आप पीछे वाले नंबर में 1 और ऐड कर देते हो तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाता है, पीछे वाले नंबर में अगर आप 1 ऐड करते हो तो नेक्स्ट नंबर मिल जाता है, पीछे वाले नंबर में अगर आप 1 ऐड करते हो तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। इसी तरीके से अगर फर्स्ट इंटीजर अगर x हुआ तो नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 1, ठीक है, तो बस यहीं से हमारी इक्वेशन बनेगी, लेट फर्स्ट इंटीजर बी x एंड सेकेंड बी x प्लस 1, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें, तो समझाने के लिए बस बता दिया। अब देखिए इधर वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, वो बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो भाई पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट उन्होंने कितना दिया है 306, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x इंटू x एक्स स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा, ये प्लस में, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये 17 एंड 18 से डिविजिबल है, ठीक है, 17 एंड 18 से डिविजिबल है, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो 18x माइनस 17x। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो जी हम आपको कैसे पता, तो भाई इधर डिवाइड करके देख लो ना 306, देखो ये 17 से डिवाइड करोगे 18 टाइम्स में डिविजिबल है, तो 18 बन जाए 18, तो फैक्टर्स क्या बन गए 17 इंटू 18, तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 1, और हमें 1 ही चाहिए। देखो अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं आता तो फिर आपकी गलती है, आपको जाकर पॉलिनोमियल की और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोस डिटेल में देखनी चाहिए, और अगर आता है तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब जरा देखो इधर, इसमें देखो क्या कॉमन है और इसमें देखो क्या कॉमन है, ऑब्वियसली इसमें तो सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 18, यहां पर क्या कॉमन है भाई माइनस और 17, तो यहां पर भी क्या बचेगा x प्लस 18। अब इन दोनों में क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है भाई, इसमें और इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो ऑब्वियसली x प्लस 18, तो क्या बचा भाई देखो यहां से x प्लस 18 निकल जाएगा, यहां पर क्या बचेगा x, और यहां से x प्लस 18 निकल जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा 17, ठीक है भाई। तो देखो टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है जीरो, तो ऑब्वियसली या तो इसकी वैल्यू जीरो है या इसकी वैल्यू जीरो है, ये प्लस में उधर जाकर माइनस, और ये माइनस में उस तरफ जाकर। अब आप सोच रहे हो भाई ये तो कॉन्जिक्यूटिव है नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो भाई अब आप देखिए इफ, अब आपको यहां पर लिखना पड़ेगा इफ फर्स्ट इंटीजर इज माइनस 18, अगर पहला इंटीजर क्या है माइनस 18, देन सेकेंड इंटीजर बी वॉट x प्लस 1, मतलब के माइनस 18 प्लस 1 विच इज माइनस 17, तो पहला होगा माइनस 18 और दूसरा क्या होगा माइनस 17। अब बात करते हैं सेकेंड की, इफ फर्स्ट इंटीजर इज
x इज इक्वल्स टू कितना 17, देन सेकेंड इंटीजर b व्हाट x प्लस 1 मतलब के 17 प्लस 1 विच इज 18। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड उसमें हम करेंगे प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 4.2, तो वो बिल्कुल भी गलती से मिस मत करना। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।